Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. प्रिय परीक्षार्थीगण, क्या आप अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत चिंतित हैं? आपके जीवन की हर चिंता को दूर करने के लिए I believe you will have 100 times increased. भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन ने एक संदेश प्रस्तुत किए हैं. You're not only going to go with marks in your heart in your life today, you're going to go with God in your life. आइए अब हम सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन द्वारा दिए गए उस संदेश के एक अंश को. It's a great joy to have each one of you here ready to pray for your blessing. All of you are determined to win. आप सब लोग विजय होने के लिए निश्चित हैं. All of you are determined to succeed. आप सब लोग सफल व्यक्ति होने के लिए निश्चित हैं. Surely God will honor you. निश्चय ही परमेश्वर आपका आदर करेगा. Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे. You have already believed. आपने पहले विश्वास किया है. Now you will see God's blessings coming upon you. और अब आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषें आप पर आ रही हैं. Whatever problems you may have today, Jesus will take it away. आपकी जो भी समस्या होगी, आज यीशु उन सारी समस्याओं को दूर कर देगा. And he will make it so easy for you to study, so easy for you to write your exam. और वो आपके लिए पढ़ाई बहुत ही आसान बनाएगा और आपकी परीक्षा लिखना भी बहुत आसान बनाएगा. Maybe you say, all these burdens, all these problems, all these sicknesses are stopping me from studying and excelling. शायद आप ये कह रहे हैं कि ये सारे बोझ, ये सारी बीमारी, ये सारी परेशानी मुझे पढ़कर उत्तम होने में रुकावट डाल रही हैं. No man can help you. कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं कर सकता. No man can take away those problems. इन सारी समस्याओं को कोई मनुष्य दूर नहीं कर सकता. But God can. लेकिन परमेश्वर कर सकता है. And you have come to him. और आप उसके पास में आए हैं. Today he will remove your problems. आज वो आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा. Make it so light and easy for you to study and excel in your study. कि आपके लिए बहुत ही आसान करेगा कि आप पढ़ाई कर सके और पढ़ाई में बहुत ही उत्तम होते चले जाएं. God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा. God will honor you. प्रभु आपका आदर करेगा. God will honor you. प्रभु आपका आदर करेगा. There's a beautiful scripture. एक बहुत ही सुंदर वचन है. Which says, in the same place where you went through shame, you will have praise and honor. ये कहता है, जिस जगह तुम शर्मिंदा हुए थे, उसी जगह तुम्हारी तारीफ की जाएगी और वहीं पर तुम्हें आदर दिया जाएगा. Have you seen only shame? क्या आपने अब तक केवल शर्म को ही देखा है? God is going to now give you praise and honor in the same place. तो परमेश्वर अभी उसी जगह पर आपको स्तुति और आपको आदर देगा. Right in the same stage, a girl testified a few years ago. कुछ साल पहले इसी स्टेज पर एक बहन ने अपनी गवाही दी थी. She was getting only 2 marks in her maths in her model exam. मॉडल एग्जाम में उसके मैथ्स में उसे केवल 2 marks मिले थे. Just 2 marks. बस केवल 2 marks. And her father was a poor man. और उसके पिताजी बहुत गरीब थे. He refused to even pay the examination fees. उन्होंने examination fees देने से इनकार किया. He said, "You're going to fail anyway. Why should I pay your examination fees and waste my money?" उन्होंने कहा कि तुम तो कुछ भी हो, फेल हो जाओगी, तो मैं examination fees देके पैसा क्यों बर्बाद करूं? But somebody brought her to this meeting. लेकिन कोई उन्हें यहाँ पर इस सभा में लेकर आया. She never knew anything about prayer. उन्हें प्रार्थना के बारे में कभी कुछ पता नहीं था. But when she came here, लेकिन जब वो यहाँ पर आई, she listened to the success stories of those who came here and prayed the previous year. और यहाँ पर आकर उन लोगों की गवाही सुनी, सफलता की गवाही, जो यहाँ पर उससे पहले साल आकर प्रार्थना करवा कर गए थे. And she said, if God can do it for them, he can do it for me. तो उसने कहा, यदि परमेश्वर उनके लिए ये सब कुछ कर सकता है, तो वो मेरे लिए भी इसे कर सकता है. And she gave her life to God that day. और उसी दिन उसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया. And said, God help me. और कहा, प्रभु तुम मेरी मदद कर. I'm getting only 2 marks. मुझे केवल 2 marks मिल रहे हैं. My father is so poor. मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं. My mother is so pitiful. मेरी माँ बहुत ही दयनीय स्थिति में है. They are trying their best to help me. मेरी मदद के लिए वो हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं. I should not break their hearts, Lord. मुझे उनके दिल को नहीं तोड़ना चाहिए प्रभु. Today I give my life to you. आज मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ. And a great peace came into her heart. और उसके दिल में महान शांति उस समय आ गई. Went back with God. वो परमेश्वर के साथ वापस गई. She went back with God in her heart. अपने दिल में परमेश्वर को लेकर वो वापस गई. Studied that 1 month.
और उस एक महीना उसने पढ़ाई की And she wrote her exam. और उसके बाद अपनी परीक्षा लिखी The time for the results came. और जब रिजल्ट्स का समय आया she said, Daddy, go and find my result. उसने कहा डैडी आप जाकर मेरा रिजल्ट लाइए Go to my school. मेरे स्कूल में जाइए He said, no. उसने कहा नहीं I love to come back with a cloth on my head. मुझे मेरे सिर पर कपड़ा ढाक कर आना पड़ेगा I will not go. मैं नहीं जाऊंगा But then he went finally because she cried. और वो रोने लगी इसलिए अंत में उसके पिताजी ही गए And he came back rejoicing. और वो खुशी के साथ वापस आए His daughter had got 200 out of 200 in maths. उसकी बेटी को गणित में 200 में से 200 अंक मिले थे Where is 2 out of 2? Where is 200 out of 200? 200 में से पहले उसे 2 मार्क्स मिलते थे अभी 200 में से 200 मिल गए That is the power of prayer. यही तो प्रार्थना की सामर्थ्य And you have come to pray. और आप प्रार्थना करने के लिए आए हैं I believe you will have 100 times increase. मैं विश्वास करता हूँ कि आप 100 गुना बढ़ोतरी पाएंगे Every one of you will have 100 times increase. आप में से हर एक व्यक्ति 100 गुना बढ़ोतरी पाएगा Because Paul Dinakaran is not going to give it to you. क्योंकि पॉल दिनकरन ये आपको देने वाले नहीं हैं। The Lord Jesus will give it to you. प्रभु यीशु स्वयं आपको ये सब कुछ देंगे। He is God. वो परमेश्वर है। He can help anybody. वो किसी की भी मदद कर सकते हैं। He said, "Come to me." उसने कहा मेरे पास आओ। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will remove your problem. मैं तुम्हारी समस्या दूर करूंगा। I will give you great success. मैं तुम्हें महान सफलता दूंगा। And that girl came and testified and showed us the marks. The previous marks and the present marks and everyone rejoiced. और उस बच्ची ने आकर यहाँ पर अपने पहले के मार्क्स दिखाए और अभी के वर्तमान के मार्क्स दिखाए और ये देखकर सब लोग बहुत बहुत खुश हो गए मंथली टेस्ट लिए फर्स्ट लिए நான் வந்து मैथ्सல 2 மார்க் 200 க்கு 2 தான் வாங்குனேன் போன வருஷம் வந்து நடந்த மீட்டிங்ல வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன் இந்த மீட்டிங் வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்ண கடவுளே அடுத்த வருஷம் நான் வந்து இங்க ஒரு சாட்சியா இருக்கணும் நான் வந்து கண்டிப்பா அங்கிள் கிட்ட வந்து நான் பேசணும் அப்படி நான் ஒரு வைரக்கியமாவே இருந்தேன் அதே மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் மேக்ஸ்ல 200 ஆஃப் கொடுத்தாங்க எனக்கு ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்க And she got into the best course. और उसे सबसे अच्छे कोर्स में एडमिशन मिली. God is going to do it for you. परमेश्वर इसे आपके लिए करेगा. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. Your 2 marks. आपकी जो 2 marks हैं. The days of your 2 marks and 20 marks are over today. आपके 2 marks और 20 marks लेने के जो दिन हैं, वो अभी आज खत्म हो चुके हैं. The days of your 40 marks and 50 marks, 50% is over today. 40 mark, 50% के आपके जो दिन थे, वो अभी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं. God comes into you. जैसे परमेश्वर आप में आता है I believe he'll get you to 100%. मैं विश्वास करता हूँ आपको 100% देगा He will honor you. वो आपका आदर करेगा It's not only the mark. ये केवल मार्क्स नहीं है Not only the marks which is going to give you a great future. आपके मार्क्स आपको एक उज्जवल भविष्य देने वाले नहीं है Yes, you are going to get him into your heart today. हाँ, आज आप उसे अपने दिल में प्राप्त करने वाले हैं. And whatever marks you get, और आपको जो भी marks मिलते हैं, he still will lead you into a glorious future when you have God in you. और जब परमेश्वर आप में होगा, तो वह आपको फिर भी उज्जवल भविष्य में लेकर जाएगा. You are not only going to go with marks in your heart in your life today. You are going to go with God in your life. आज आप अपने दिल में केवल marks लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन अपने दिल में आज परमेश्वर को यहाँ से आप लेकर जाएंगे. Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Loving Heavenly Father. प्रेमी स्वर्गीय पिता. We have all come here to see you, Lord. हम सब यहाँ पर केवल तुझे ही देखने के लिए आए हैं. When you were in this world, Lord, जब तू इस संसार में था मेरे प्रभु you embraced the little children. तूने छोटे बच्चों को गले लगा लिया था Father, you laid your hands upon them. हे पिता, तूने उन पर अपने हाथ रखे थे And you blessed them, Lord. और तूने उन्हें आशीष दी थी In the same way, Lord, बिल्कुल उसी तरह से प्रभु embrace each one of these darling children. इन हर एक प्यारी संतानों को तू गले लगा ले मेरे प्रभु Kiss them and bless them, Lord. इन्हें चूम ले और इन्हें आशीष दे प्रभु Now let your mighty hand with your mighty power come upon every little child, every young person. अब इस समय तेरे सामर्थ्य हाथ के साथ में तेरी सामर्थ्य के साथ में तू हर एक बच्चे के ऊपर अभी इसी समय तू उतर कर आ मेरे प्रभु तू इस पर इन पर आ जा
Thank you, Lord. Your power is coming upon us right now. धन्यवाद प्रभु, तेरी सामर्थ अभी हम पर आ रही है. From this very moment, Lord. अभी इसी पल से. Let your glory be upon everyone. तेरी महिमा हर एक व्यक्ति पर होने पाए. Let your name be glorified. तेरा नाम महिमा पाए. Everyone should go back 100 times blessed, Lord. हर एक व्यक्ति 100 गुना आशीष पाकर ही यहाँ से वापस जाए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This year, the Lord told me that He is going to give every one of you writing the examination, treasures of wisdom. और परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो जो लोग इस समय परीक्षा लिखने वाले हैं, उन्हें परमेश्वर बुद्धि का खजाना देगा. It's not going to be a one-time treasure. ये केवल एक समय का खजाना नहीं होगा. You're going to draw and draw and draw from this treasure lifelong. आप इस खजाने से जीवन भर मानो लेते चले जाएंगे. That is the treasure which God gives. यही तो वो खजाना है जो परमेश्वर देता है. Colossians 2:3 कहता है, In God is hid treasures of wisdom and knowledge. परमेश्वर में ही बुद्धि और ज्ञान का जो खजाना है वो छिपा हुआ है. Yes, He has all the treasures within Him. हाँ, उसमें सारा खजाना है. But what do we get out of that? लेकिन हमें उससे क्या मिलता है? He Himself is the wisdom of God. वो स्वयं परमेश्वर की बुद्धि है. 1 Corinthians 1:30-31 says so. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:30-31 कहता है. And he says, उसने कहा, My children, मेरी संतान, come to me. मेरे पास आओ. Come to me. मेरे पास आओ. I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I will give you myself, who is full of wisdom. मैं अपने आप को तुम्हें दूंगा जो बुद्धि से भरा है. As you dig me every day and receive me, you will have treasures of wisdom coming upon you. जैसे तुम प्रतिदिन मुझ में से लेते चले जाते हो, प्रतिदिन तुम बुद्धि का खजाना प्राप्त करते जाते हो. That's what you have come to do today. आज आप यही तो करने के लिए आए हैं. You have come to take the source of wisdom by praying to Him. आज उससे प्रार्थना करते हुए आप उस बुद्धि के स्रोत को प्राप्त करने वाले हैं. And He is here to give you treasures of wisdom by coming into your heart. और आपके दिल में आने के द्वारा वो आपको बुद्धि का ये जो खजाना है वो भरपूरी से देगा. How many of you are going to write the 10th standard examination? Can I see your hands? कितने लोग यहाँ पर दसवीं की परीक्षा लिखने वाले हैं, क्या आप हाथ उठाएंगे? Wow, all the 10th standard are right in front. God bless you. दसवीं की परीक्षा लिखने वाले बच्चे अभी इस समय सामने बैठे, प्रभु आशीष दे. 12th standard. बारहवीं की परीक्षा लिखने वाले. Good. बहुत अच्छा. God bless you. How many of you are going to write your degree examinations? कितने लोग अपनी डिग्री की एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं? Good. And competitive examination. बहुत अच्छा. और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कौन लिख रहा है? So many. बहुत से लोग हैं. Yes. जी. For every one of you. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए. The Lord has treasures of wisdom. परमेश्वर के पास आपके लिए बुद्धि का खजाना है. And He has come to fill you with that wisdom. और उस बुद्धि से भरने के लिए वो आज आया है. Yes, many times we may have been thrown out of our lives, of our successes. बहुत सी बार हम अपने जीवन से, अपने सफलता से मानो दूर किए जाते हैं. In a particular home, the second child was born. एक किसी घर में, उस घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ. The first child was a 6-year-old boy. पहला जो बच्चा था वो 6 साल का था. And he was so attached to his mother. और वो अपनी माँ के साथ में बहुत जुड़ा हुआ था. But when his little brother was born, लेकिन जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, oh, he was looking at him sarcastically. तो वो उसे अजीब तरीके से देखने लगा. And this little boy, as soon as he was born, he was shrieking and shouting. और जैसे ये दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो बहुत ही चिल्लाने लगा. He was crying, crying, crying. वो बस रो रहा था, रो रहा था. And the little boy, the first boy, asked his mother. और जो बड़ा बेटा था, उसने अपनी माँ से पूछा, Where is he from? ये कहाँ से आया है? And the mother said, Of course, from heaven. हाँ, निश्चय ये तो स्वर्ग से आया है, ये स्वर्ग से आया है. Yes, the first boy said, Yes. He has been thrown out of heaven because he has been crying there. बड़े बेटे ने कहा, ये वहाँ पर रो रहा था, इसलिए उसे स्वर्ग से फेंक दिया गया है, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है. Maybe you're also crying. शायद आप भी रो रहे हैं. Oh, I'm not able to study. Oh, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता. I'm not able to do well. Oh, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ. Maybe you have been thrown out. शायद हो सकता है कि आपको निकाल दिया गया हो. Thrown out of the class. आपको क्लास से निकाल दिया गया. And your own spirit may have thrown you out, saying you are useless. आपकी खुद की आत्मा ने माना आपको फेंक दिया हो, कहा तुम बेकार हो. But today God says. लेकिन आज प्रभु कहता है. Come to me. मेरे पास आओ. I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. And there are three things.
which we need to do to be a success in our studies. हमारे पढ़ाई में सफल होने के लिए हमें तीन चीजें करना बहुत बहुत जरूरी है. You read that in Proverbs 3, verse 5 and 6. आप इसे पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6 में. Trust in the Lord. प्रभु पर भरोसा रखो. Trust in the Lord. यहोवा पर भरोसा रखो. With all your heart. अपने पूरे दिल से. And lean not on your own understanding. और अपनी समझ का सहारा न लेना. And in all your ways acknowledge him. और अपने सारे मार्गों में से स्मरण रखना. And he will direct your paths. और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा. Yes, many times you may say, I can do it. कई बार आप शायद कहें कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ. At the last moment I will succeed. और बिल्कुल आखिरी पल में मैं सफल हो जाऊंगा. But God says, लेकिन प्रभु कहता है, Trust in me. मुझ पर भरोसा रख. Always acknowledge me in your studies. अपनी पढ़ाई में हमेशा तू मुझे स्मरण रखना. Ask me to help you. तुम्हारी मदद करने के लिए मुझसे मदद मांगना. When I was quite young. जब मैं बहुत कम उम्र का था. When I was a little boy. जब मैं एक छोटा लड़का था. My father prayed for me and the Lord spoke to me through my father. और मेरे पिता ने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरे पिता के द्वारा मुझसे बातचीत की. And the Lord said, और प्रभु ने कहा, Paul, I'm going to lay two types of paths before you. मैं तुम्हारे सामने दो तरह के मार्ग रखता हूँ. One, the path of a crab. एक तो केकड़े की तरह का मार्ग. Have you ever seen the crab going on the sand of the seashore? क्या आपने कभी समुद्र किनारे किसी केकड़े को चलते हुए देखा है? It can never go in a straight direction. वो कभी सीधे दिशा में नहीं जा सकता है. It always goes in a crooked direction. वो हमेशा टेढ़े मार्ग में ही चलते जाता है. But look at the fish. लेकिन मछली को देखिए. I'm going to lay that path also before you, Paul. Paul, मैं तेरे सामने वो मार्ग भी रखूंगा. The fish goes straight. मछली बिल्कुल सीधी जाती है. It never goes in a crooked direction. कभी टेढ़े मार्ग में नहीं जाती है. Always goes straight. हमेशा सीधा ही जाती है. So these two paths are before you. ये दोनों मार्ग तुम्हारे सामने हैं. If you follow the path of a fish, a straight path, I will bless you. यदि तू मछली के मार्ग में चलेगा यानी सीधे मार्ग में चलेगा तो मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा. If you follow the path of a crab, a crooked path, I cannot help you. अगर तू केकड़े के मार्ग में यानी टेढ़े मार्ग में चलेगा तो मैं तेरी कभी मदद नहीं कर पाऊंगा. God says, trust in me. परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा रख. Acknowledge me. मुझे तू स्मरण रख. I will take you through. मैं तुझे इन सारी बातों से ले जाऊंगा. And that path will lead you to success. और वो मार्ग तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा. Yes, I read about Newton. हाँ, मैंने न्यूटन के बारे में पढ़ा. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. I know you are learning about all his laws. मैं जानता हूँ कि आप उनके सारे लॉज पढ़ रहे हैं. When he was a little boy. जब वो एक छोटे बच्चे थे. His grandmother said. उनकी दादी माँ ने उनसे कहा. Newton, we are so poor. न्यूटन, हम बहुत ही गरीब लोग हैं. Nobody can help you. कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. Your parents are also not there to help you. तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे माता पिता भी नहीं है. But then. लेकिन फिर. Every day, हर एक दिन, pray for success. सफलता के लिए प्रार्थना करना. Every day, pray for success. हर एक दिन सफलता के लिए प्रार्थना करते जाना. And as you pray every day, God will give you success. जैसे तुम प्रतिदिन प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हें सफलता देगा. And every day, He set right His path and made it straight to God. और प्रतिदिन उन्होंने अपने मार्ग को बिल्कुल सही किया और परमेश्वर के साथ बिल्कुल सीधी तरह वो बने रहे. God opened His eyes. प्रभु ने उनकी आंखें खोली. Gave him treasures of wisdom. उन्हें बहुतायत की बुद्धि दी. And he found the greatest theory of gravitation, law of gravitation. और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये सबसे बड़ी थ्योरी बनाई. He became the greatest scientist in the world. और पूरी दुनिया में वो सबसे महान साइंटिस्ट बने. Today you may be a nobody. शायद आप बिल्कुल शून्य हो गए आज. Today nobody may be there to help you. आज शायद आपकी मदद करने के लिए कोई भी ना हो. But trust in the Lord. लेकिन प्रभु पर भरोसा रखे. Trust in the Lord. प्रभु पर भरोसा रखे. And acknowledge him. और उससे मान ले. Tell him, Lord. और उससे कहे, प्रभु, help me. मेरी मदद कर. Help me. मेरी मदद कर. He will surely instruct you. निश्चय वो आपका मार्गदर्शन करेगा. Yes, the Bible says in Psalm 32:8. भजन संहिता 32 वचन 8 में बाइबल जी कहती है. I will instruct you. मैं निर्देश दूंगा. I will teach you the way you should go. जिस मार्ग में तुम्हें जाना चाहिए वो मैं सिखाऊंगा. I will guide you with my eye. मैं अपनी आंखों से तेरा मार्गदर्शन करूंगा. You have come here because you want God to teach you. आप यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सिखाते जाए. Yes, you will have great peace as God teaches you. हां, जैसे परमेश्वर आपको सिखाएगा आप महान शांति प्राप्त करते चले जाएंगे. Let us listen to some success stories of students who have done well in the previous year.
आइए हम सफलता की कहानी सुने जिन्होंने पिछले साल अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता पाई है। I'm going to invite Jabba Ebenezer. मैं न्योता देना चाहता हूँ, Jabba Ebenezer को बुलाना चाहता हूँ। Wow, so many shields. You can put it here. बहुत सारे शील्स यहाँ रखिए। Okay, say your name. आपका नाम बताइए। मेरा नाम जबा एबेनेज़र है, मैं तिरुनेलवेली से आ रही हूँ। मेरे माता पिता की शादी 1996 में हुई थी। 3 वर्ष तक उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। 1999 में तिरुनेलवेली के सेंट जॉन्स कॉलेज में जीसस कॉल्स की एक मीटिंग हुई थी। वहाँ मेरे माता पिता ने आपके साथ मिलकर प्रार्थना की कि अगर हमें बच्चा हुआ तो उसे यंग पार्टनर बनाएंगे। उसी साल मेरे माता पिता को मैं और मेरे भाई के रूप में जुड़वा बच्चे मिले। 10th के परीक्षा के समय हमें बहुत डर लगता था, तब आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना को हम रोज पढ़ते थे। उस प्रार्थना को पढ़कर ही हम अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में कमजोर थी, परंतु प्रभु यीशु की कृपा से मुझे 500 में से 497 मिला। वाह, स्टेट लेवल में 3rd rank मिला। स्टेट थर्ड रैंक। इसके अलावा मुझे खेलकूद में भी काफी मेडल्स मिले हैं। She was aiming at district first. District में पहले आने की योजना बना रही थी। But then God gave her state third. लेकिन परमेश्वर ने राज्य में तीसरा स्तर दिया। बहुत अद्भुत। God bless you. We are proud of you. My precious children, मेरे प्रिय बच्चों, I know you are ready to face your exam today. मैं जानता हूँ आज आप अपनी परीक्षा का सामना करने को तैयार हैं। I want to send you with my prayers. और मैं आपके लिए अपनी प्रार्थनाएं भेजना चाहता हूँ। The horse is prepared for the battle, but the victory comes from the Lord. लड़ाई के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय परमेश्वर से आती है। God is a God who gives victory. परमेश्वर जो है वो है जो हमें जय देता है। You're trusted in the Lord who has got the victory on the cross. आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं जिसने क्रूस पर जय को पाया है। The same Lord Jesus will give you victory in your exams. और वही प्रभु यीशु जो है आपकी परीक्षा में भी आपको जय दे। Come. He has said, "Ask anything in my name, and I will do it." आइए, उसने कहा है मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। Let's ask him. तो आइए हम उससे मांगे। He will give you victory today. और आज वो आपको जय देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, embrace this your dear darling child. अपने इस प्रिय बच्चे को आप अपने आलिंगन में लें। Bless him. उसे आशीष दे। Bless her. उसे आशीष दे। And give them very high marks today, Lord. और आज उन्हें सबसे अच्छे अंक दे। यू गिव योर सन योर डॉटर विक्ट्री इन दिस एग्जाम। इस परीक्षा में आप अपने बेटे अपनी बेटी को जो है जय दें। यू गिव देम फुल मार्क्स। आप उन्हें पूरे अंक दें। हाईएस्ट मार्क्स दैट दे हैव एवर स्कोर्ड। उन्हें जो आज तक नहीं पाए उससे सबसे उच्च अंक दें। गिव देम विक्ट्री इन देयर कॉन्सेंट्रेशन। उनकी उस एकाग्रता में आप उन्हें जय दें। विक्ट्री इन देयर राइटिंग। उनके लिखने में आपने जय दे। विक्ट्री इन देयर अंडरस्टैंडिंग। उनकी समझ में आप जय दे। विक्ट्री इन गेटिंग हाई मार्क्स। और उच्च अंक पाने में आपने जय दे। एंड विक्ट्री इन गुड हेल्थ। और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य पर जय दे। लेट देयर बी जॉय इन द स्पिरिट ऑफ योर सन योर डॉटर। आपके बेटे आपकी बेटी के हृदय के अंदर में आनंद हो। थैंक यू फॉर हेल्पिंग देम टुडे। धन्यवाद आज उन्हें सहायता कर। इन जीसस नेम, यीशु के नाम। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट एग्जाम। परमेश्वर आपको आशीष दे और सर्वोत्तम परीक्षा को सामना करें।